नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम डिबेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहां हमारे देश में तमाम तरह के मुद्दे ज्वलंत होते रहते हैं, पर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनकी तरफ ध्यान दिलाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दिलाएंगे तो कुछ चीज़ें हमारी नज़रों से बच के जाएंगी और उन चीज़ों का असर भी व्यापक रूप से होता है। कि कुछ घटनाएँ हमारे देश में ऐसी होती है जिन पर कार्रवाई कोई नहीं होती है और लगातार उन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग व्यवस्थाओं में, अलग अलग संप्रदाय में, और जिसकी जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है आम जनता को, वो भी अपनी मौत से, अपनी जिंदगी से। अगर हम घटनाओं की बात करें तो हमारे देश में जो धर्म है उसको लेकर एक अलग तरह का एक धारणा बनी हुई है कि हमको अपने धर्म के प्रति बड़ा सम्मान करना है, उसके प्रति पूरा निष्ठावान रहना, और जिसको चलते हुए हमारे देश में जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर समय समय पर बहुत भीड़ भी रहती है, क्योंकि लोग विशेष तिथियों पर उन धार्मिक स्थलों में जाते हैं और अपनी आस्था के प्रति आस्था को अपना मजबूत करते हैं, और ऐसे स्थलों पर लगातार भीड़ बढ़ती हुई रहती है। खैर, यहाँ पर हम किसी आस्था की बात नहीं कर रहे, पर यहाँ पर जो व्यवस्था की बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम व्यवस्थाओं की बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जैसे खबरन बीसों का जो मुख्य उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो ये माना जाएगा कि हम केवल और केवल व्यवस्थाओं की अच्छाइयाँ बताते हैं। अब व्यवस्थाओं की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताने की जिम्मेदारी है वो भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पर जो मामला है, जो अभी घटना है हाल में ही 20 अगस्त को, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जो भगदड़ मची थी, जिसके चलते दो श्रद्धालुओं की जान चली गई, उसके बाद 6 लोग उसमें घायल भी हुए। हालांकि ये घटना पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी 2012 में भी बरसाना में राधा मंदिर में भगदड़ मची थी और वहाँ पर भी 2 लोगों की मौत हुई थी। और अगर हम आंकड़ों की बात करें हमारे देश में, तो हमारे देश में आंकड़े ये बताते हैं कि 7 अगस्त 2022 को खाटू श्याम मंदिर राजस्थान में भगदड़ मची थी और वहाँ पर ये घटना थी लगभग सुबह 5 बजे की, वहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई थी, 4 लोग घायल हो गए थे। हालांकि वहाँ पर अशोक गहलोत सरकार ने कार्रवाई करते हुए जो वहाँ के इंचार्ज थे रिया चौधरी, उनको सस्पेंड किया और मुआवजा देने के साथ साथ जांच समिति बैठाई। इसके अलावा अगर साल की शुरुआत की बात करें तो 1 जनवरी 2022 को वैष्णो देवी मंदिर, जो कि बहुत पौराणिक मंदिर हमारे यहाँ का, वहाँ पर कश्मीर में भगदड़ मची, जगह से ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ का ये नतीजा था कि 203 लाख की भीड़ में लगभग 2:45 बजे सुबह 12 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। ये आंकड़ा वैष्णो देवी मंदिर का है, कोई राज्य अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2013 में रतनगढ़ की माता में पुल टूटने की अफवाह के चलते लगभग 125 लोगों की मौत हो गई थी, बड़ा आंकड़ा है। अगर हम 2013 की बात करें, इलाहाबाद महाकुंभ के दौरान स्टेशन पर भगदड़ के चलते 36 लोगों की मौत हो गई थी। अगर हम 2010 की बात करें तो कृपालु जी महाराज का एक आश्रम है जो प्रतापगढ़ में है, वहाँ पर प्रसाद वितरण के दौरान 63 लोग मौत के मुंह में समा गए थे, बड़ा आंकड़ा। और अगर हम 2008 के आंकड़े की बात करें, बड़ा आंकड़ा था 30 सितंबर 2008 को, जहाँ पर जोधपुर के चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट के अपवाह के चलते 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ पर प्रश्न किसी आस्था का, किसी मंदिर का नहीं है, पर यहाँ पर प्रश्न अव्यवस्था का जरूर है। जहाँ हमको पता होता है कि किसी भी विशेष तिथि त्यौहार पर भीड़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हजारों की भीड़ को क्यों हम प्रवेश करा देते हैं। जिस मंदिर प्रांगण की क्षमता महज 1800 लोगों की है, उस मंदिर प्रांगण की में कैसे हजारों लोग अंदर चले जाते हैं। प्रवेश गलत, रास्ता गलत, ऊपर से कहा जाता है कि जो VIP कल्चर है वो भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को जन्म देने में पीछे नहीं है। हालांकि अगर बांके बिहारी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर निजी मंदिर के गार्ड भी है, इसके अलावा पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी बड़ी मजबूत रहती है, पर जब भीड़ रहती है, विशेष त्यौहार तिथि होती है, तब इन सारी व्यवस्थाओं की हवा निकल जाती है, जिसका खामियाजा भुगतती है आम जनता, जो वहाँ श्रद्धालु
जो कि वहाँ पर भगवान के दर्शन करने गए, जिनमें 6 लोग घायल भी हो गए और 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो यहाँ प्रश्न बहुत आवश्यक है। हालांकि सरकार ने कार्रवाई करते हुए यहाँ पर पूर्व DGP सुलखान सिंह और अलीगढ़ के मंडलायुक्त गौरव दयाल की निगरानी में एक समिति बनाई है, जिसको 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपनी है। पर कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि VIP कल्चर या विशिष्ट तिथियों पर अव्यवस्थाओं के कारण इस तरह की घटनाएं होती है। और घटनाओं को मैंने आंकड़ा बताया कि घटनाएं आज नहीं हुए, ये घटनाएं लगातार होती चली आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है, राजस्थान में होती हैं। पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐतिहासिक, जहाँ पर मुख्यमंत्री स्वयं ऐसे स्थलों को ऐतिहासिक बनाने की बात करते हैं, उनको व्यापक तौर पर उनको जो प्रसिद्ध करने की बात करते हैं, लोगों की आवाजाही के लिए बेहतर करने की बात करते हैं, हेलीपैड की बात करते हैं, हवाई व्यवस्थाओं की बात करते हैं, जिस तरह से अभी हाल में ही काशी में कॉरिडोर बनाया गया, बेहद रूप से बढ़ाया गया। पर अगर हम मथुरा की बात करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं बन पाई है, वहाँ पर व्यापक स्तर पर जगह क्यों नहीं दी जाती है, और अगर वहाँ पर क्षमता कम लोगों की है तो कैसे वहाँ पर प्रशासन और निजी गार्डों की मौजूदगी में भीड़ अंदर चली जाती है और जिसका खामियाजा होता है 2 लोगों की मौत और 6 घायल। महत्वपूर्ण विषय है और चर्चा के लिए हमारे साथ अलग अलग पार्टी से लोग बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी अपना पक्ष रखेंगे, तो प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से इमरान लतीफ जी अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी से तारिक खान जी अपना पक्ष रखेंगे। RLD से वेद प्रकाश मिश्रा जी अपना पक्ष रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में आमिर साबरी जी अपना पक्ष रखेंगे। और कांग्रेस की तरफ से प्रदीप तिवारी जी अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। तो जो पहला सवाल हमारा रहेगा वो नेता BJP से रहेगा, क्योंकि सरकार इन्हीं की है और जिस तरह से हम धार्मिक स्थलों को लेकर, उनको व्यवस्थित करने को लेकर और उनकी व्यापक तौर पर उनको बेहतर करने को लेकर लगातार मुहिम चला रहे हैं, इस तरह की घटना इस मुहिम पर किस तरह का धक्का है? विवेक जी देखिए, गौरव जी, जहाँ तक बाके बिहारी मंदिर की घटना का विषय है, ये बहुत ही दुखद है जी। और इस घटना ने हम सबको कहीं ना कहीं बहुत उद्विग्न किया है। देश आज़ादी का 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है, 76वां वर्ष मना रहा। गुलामी के समय अगर हम भेड़ बकरियों की तरह अंग्रेजों के द्वारा हाके जाते थे तो बात चलिए ठीक है, समझ में आती थी कि हम गुलाम थे। आज देश हमारा है, स्वतंत्र हैं हम, और देश पे हमारी हुकूमत है। और ऐसे कालखंड में भी अगर हम भेड़ बकरियों की तरह मंदिरों में या दर्शनीय स्थलों पर हाके जा रहे हैं तो हम सबके लिए दुखद है। जहाँ तक बाके बिहारी जी की इस घटना का विषय है, तो ये घटना बाके बिहारी में कोई पहली बार इस तरह घटना नहीं हुई है। 2006 में भी एक माता की यहाँ मृत्यु हो चुकी है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक निजी मंदिर है, राजा रतन सिंह जी ने बनवाया जरूर था, लेकिन वहाँ की व्यवस्था केवल 400 गोसाई परिवार है वही देखते हैं, और डे बाय डे उनका मालिकाना वहाँ बदलता रहता है, कोई वहाँ परमानेंट मालिक या जिम्मेदार नहीं रहता। ये इस दिन की जिम्मेदारी फला के परिवार को, उस दिन की जिम्मेदारी फला के परिवार को, एक तो ये रहती है। दूसरी अव्यवस्था का वहाँ आलम यह है कि जो वहाँ मंगला आरती होती है सुबेरे 4-5 बजे के बीच जो होती है, मैं समय थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज कर रहा हूँ कि वहाँ सामान्य व्यक्ति को मंगला आरती में जाने की इजाज़त ही नहीं दी जाती। ये ऐसा पहला मंदिर है जिसके बारे में मुझे जानकारी है। सामान्य व्यक्ति मंगला आरती में नहीं जा पाता, कोई बहुत VIP हो या गोसाई लोगों के परिवार के लोग इस मंदिर में रहते, मंगला आरती में रहते हैं, कोई बहुत VIP तो उसको प्रवेश होता, बाकी सामान्य आदमी माँ के बिहारी जी के मंदिर की मंगला आरती में नहीं प्रवेश पाता। ये बहुत ही दुखद है, मेरा इस पर बहुत ही क्षोभ है। दूसरा, उन 400 परिवारों के ही जो लोग हैं वो वहाँ की व्यवस्था में लगे रहते हैं। एक तो वहाँ के जो व्यवस्था में लगे सुरक्षा कर्मी हैं वो, उनका व्यवहार हद से ज़्यादा दुखद है। मतलब ये मेरी पार्टी लाइन को ना माना जाए, मेरे व्यक्तिगत अनुभव को माना जाए, बहुत ही दुखद है। और इतना अशोभनीय आचरण है कि मतलब एक बार आप वहाँ चले जाएंगे
तो ये बाकी बिहारी में आपकी आस्था जरूर हो सकती है कि बार बार उनके दर्शन का मन करें, लेकिन अगर उनका आचरण आपको एक बार याद हो जाएगा तो दोबारा आपको जाने की वहाँ इच्छा नहीं होगी। ये उनके आचरण का विषय बता रहा हूँ। और व्यवस्था वहाँ की ये है कि सामान्य दिनों में भी वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि आपका दम घुटने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कायदे से समय भी मंदिर का दर्शन का बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, मंदिर की जो व्यवस्था है अंदर की वो तो दुखद है ही है, बाहर जो उनके वंशजों के द्वारा या जो कह लीजिए जो दुकानें या जो प्रसाद वगैरह की जो दुकानें हैं, जो वहाँ पे बाजार का जो दृश्य है वो और दुखद है। कोई भी वाहन आपको 1 किलोमीटर पहले ही उतरना पड़ेगा, वहाँ आप जा नहीं पाएंगे। वहाँ केवल गलियों में ई रिक्शे चलते, वो भी कुछ दूर तक ही आपको पहुँचा पाएंगे, उसके आगे का रास्ता आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। तो एक तो ठीक है, अभी हमारे तमाम मित्र पक्ष विपक्ष के लोग काशी में कॉरिडोर में हमारी आलोचना करते हैं, लेकिन पूर्व की काशी का दृश्य और आज की काशी का दृश्य, उसका श्रेय आपको नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा कि आज वो दृश्य बदल गया है। आज कोई भी श्रद्धालु आसानी से मंदिर तक पहुंच पाता है, लेकिन वृंदावन में या बाकी बिहारी जी में जाने में आपको छींके आ जाएंगे, आपको पसीने छूट जाएंगे। और वीआईपी कल्चर का आलम यह है कि वहाँ बांके बिहारी में 1000 रुपये से शुरुआत होती है कि 1000 रुपये दे दो तो यहाँ रेलिंग खोल के दर्शन करा देंगे, और ज़्यादा दोगे तो और नज़दीक से दर्शन करा देंगे। ये मेरे समझ में नहीं आता। भगवान के दरबार में, बांके बिहारी के दरबार में वीआईपी कल्चर है क्या भला? और वीआईपी वहाँ भगवान के दरबार में वीआईपी कौन है? ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तीनों सेना अध्यक्ष मेहमान उसमें उनको भी शामिल कर लीजिए, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, जो डिले लैंडिंग में जो आते हैं जिनको डिले लैंडिंग नहीं कराई जा सकती, इन लोगों को अगर मान लीजिए वीआईपी प्रोटोकॉल दिया भी जा रहा, चलिए इस पर हमारी सहमति है, लेकिन पता चला फलाने DM साहब है, फलाने SDM साहब है, फलाने मजिस्ट्रेट साहब है, ये जो वीआईपी का लेकर के घुस जाते हैं वो बड़ा भक्तों के मन को उद्विग्न करता है। हम वहाँ जाएंगे, हम लाइन में लगेंगे, हमको आधा घंटा एक घंटा पैदल चल के दर्शन नसीब होगा, वो भी ढंग से दर्शन नहीं होगा, हम खेल दिए जाएंगे। ये वीआईपी बना के ले जाएंगे, वही आप 1000 रुपये दीजिए तो आप भी वीआईपी कॉरिडोर में हो जाएंगे। ये इस तरह का जो ये धार्मिक स्थान पर जो ये गोरखधंधा चल रहा है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। कुछ चुनिंदा लोगों को ही वीआईपी की श्रेणी में रखना चाहिए, बाकी ये सारा कल्चर समाप्त होना चाहिए। कोई वृद्ध है, कोई अपंग है, विकलांग है, दिव्यांग है, चल पाने में असमर्थ है, रोगी है, कोई ऐसी समस्या है, तो उसके लिए एक अलग कॉरिडोर होना चाहिए, इसका तो मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन ये फलाने मजिस्ट्रेट, फलाने DM, फलाने जज साहब, ये जो सारी घटना घटी है वीआईपीओं को ही चक्कर में घटी है। और बाकी तो मंदिर की व्यवस्था तो भगवान भला करें, उन लोगों का मैं उन पर क्या टिप्पणी करूं। जो वहाँ की स्थिति यह है गौरव जी कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर चढ़ावा आता है और सारा इन्हीं परिवारों में खप जाता है। ये निजी मंदिर है, इसमें सरकार का ना हस्तक्षेप है ना ही होने देते हैं। पुलिस भी जो रहती है बहुत दूर बाहर रहती है, और प्रतिदिन के चढ़ावे के अलग परिवार का जिम्मेदार होता है ना, इनके तरफ से कोई वहाँ धर्मशाला चलती है ना, वहाँ भक्तों की सुविधा के लिए कोई इनके द्वारा वहाँ योजना है, और तो और ना कोई गौशाला चलाते हैं, ना ये कोई इनसे विद्यालय चलता है। और सबसे दुखद तो यह है कि जो स्वयं बांके बिहारी जिनके नाम पे ये कमा खा रहे हैं, जिनके पूजा पे उनकी रसोई का खर्चा इनके यहाँ महीने का मात्र 1 लाख मुकर्रर है, बाकी पैसा ये ठेल जाते हैं। ये बहुत सारा मतलब विषय है जो मेरे मन को अशांत करता है। मैं स्वयं बांके बिहारी जी का बड़ा भक्त हूँ, मेरी बार बार इच्छा होती है कि वहाँ दर्शन करने जाऊँ, लेकिन इन लोगों के आचरण और इनके जो मुझे याद आता तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि दोबारा मैं बांके बिहारी दर्शन करने जाऊँ। आपने अपनी व्यथा तो बताई जी, तो सरकार आपकी है जी, दोबारा कार्यकाल मिला है 30 साल बाद जी, तो क्या मानते हैं कि इस तरफ कोई प्रयास नहीं होना चाहिए वीआईपी कल्चर खत्म करने? सरकार इस तरफ देखिए वीआईपी कल्चर पर, लेकिन सरकार यहाँ की अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए चिंतित है। अभी 15 दिन पहले अपर
मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी ने वहाँ के जिलाधिकारी को पत्र लिखा था कि वहाँ के मंदिर का जो खतौनी है, जो अगल बगल की जमीनें हैं, जिस तरह से काशी में कॉरिडोर डेवलप किया गया ताकि सुगमता से दर्शनार्थियों को दर्शन हो सके, श्रद्धालुओं को, उस तरह की सरकार अभी योजना बनाने के क्रम में थी। अभी 15 दिन पहले अवनीश अवस्थी जी ने डीएम को पत्र लिखा था, लेकिन उसका जवाब आए उसके पहले ही हादसा हो गया। तो सरकार की चिंता है और चिंता परिणाम तक पहुंचेगी, लेकिन उस चिंता के परिणाम तक पहुंचने के बीच जो हमने हमारे व्यक्तिगत जो अनुभव मैंने वो गौरव जी बताया कि बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, ध्वस्त है। और क्षमा करे मुझे बांके बिहारी, मैं दर्शन के लिए बार बार आना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ के व्यवस्था के चलते मेरी हिम्मत नहीं होती दोबारा वहाँ जाने। चलिए, समय पाठी तारिक खान जी जुड़े हैं। तारिक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तारिक भाई, घटना रही, 2 लोगों की मौत हुई, 6 लोग घायल हुए, और ये घटना हमारे प्रदेश में या देश में पहली नहीं है। इससे पहले भी तमाम तरह की घटनाएं होती रहती है जहाँ पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्या मानते हैं कि जहाँ जिस तरह पर हम धार्मिक स्थलों को लेकर एक प्रकार से हमारे यहाँ राजनीति भी होती रहती है, बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं, मंदिर निर्माण के चर्चे भी होते हैं, और कहा जाए तो बहुत बड़े राजनीतिक केंद्र रहे हैं, तो इस तरह की घटनाओं का कहीं ना कहीं ये मानना भी है कि सरकार केवल केवल व्यवस्थित लगा रहती है और व्यवस्थाओं को जो खत्म करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? क्या मानते हैं इस बात को लेकर? देखिए, श्रीवास्तव जी की बातों से कम इतना तो कहा जा सकता है जी कि हर मामले में श्रीवास्तव जी की एक अच्छाई है, तारीफ करूंगा, कि वो सरकार को डिफेंड नहीं करते हर चीज में जी, कि कान घुमा के किसी तरीके से सरकार को डिफेंड किए जाए जहां पर बात गलत होती है जी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और उठेगा जी कि चलिए पैसा वो ले जाते हैं, ठीक है जी, लेकिन जो व्यवस्था है जी, अगर कहीं पे भीड़ आ रही है जी, उसका समन्वय सरकार से नहीं बनाया जा रहा है, प्रशासन से नहीं बनाया जा रहा है जी, डीएम से नहीं बनाया जा रहा है, एसपी से नहीं बनाया जा रहा है जी, तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ, वैसे मैं बहुत कम जानता हूँ इस चीजों के बारे में, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि जब भी व्यवस्था होती है। अच्छा, मैं जहां से आता हूं जी, जी तारिक भाई बोलिए, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। सलार मसूद कादरी की बहुत बड़ी दरगाह है जी, और वहां पर बारातें आती हैं जिसमें हिंदू मुसलमान सब आते हैं, मतलब 60-40 का रेशियो जी, और बहुत भीड़ रहती है। मगर रहता क्या है कि जो दरगाह कमेटी है वो इनको सरकार को पैसे देकर पुलिस वालों की सेवाएं लेती है। आप बात समझ रहे? जी, समझ रहा हूँ जी। एक समन्वय बैठाला जाता है, बाकायदा डीएम और एसपी द्वारा मीटिंग रहती है, मैं भी जाता हूँ उस मीटिंग में जी, और ये कहा जाता है बाकायदा पुलिस के लिए कैंप बनते हैं, पीएससी आती है, दुनिया भर का अरेंजमेंट जी, वो तो एक बड़ा प्रोग्राम हो गया जी। तो इस तरीके का इंतजाम अगर इनके पास इतनी बड़ी रकम आती है, इतनी इनकम आती है जी, तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार को नोटिस देना चाहिए। ब्रिज विकास परिषद क्या है, मैं अभी खबर देख रहा था जी, तो लिखा हुआ था कि 8.7 करोड़ से ब्रिज विकास परिषद का ऑफिस बनेगा जी। ऑफिस 8 करोड़ का बने या 800 करोड़ का बने, जैसे प्रधानमंत्री जी का घर भी बन रहा है बहुत महंगा, उससे मतलब नहीं है जी। जाने कितनी कीमती है। एक चीज और एक तरफ ध्यान दिलाना ले चलता हूं मैं जी, कि हमारे यहाँ क्रमांक में कई घटनाएं होती है भाई जी, इसमें बिल्कुल भी राजनीति की कोई बात नहीं करनी जी, मैं समाजवादी का नहीं मान रहा हूं जी। अन्य देशों ने कैसे उसको एडॉप्ट किया, कौन सी प्रणाली, कौन सी प्रक्रिया एडॉप्ट की कि इस तरीके की घटनाएं वहां कम होती हैं, जहां पर भी भीड़ इकट्ठा होती है, धार्मिक आयोजन या और किसी तरीके के जी। उसकी व्यवस्था की लर्निंग हिंदुस्तान के ना केंद्र सरकार ने, किसी भी केंद्र सरकार ने, और ना किसी राज्य सरकार ने ली जी। बहुत बड़ा आयोजन कुंभ मेले में भी होता है, वो भी शायद जल्दी ही आने वाला जी, आने वाला, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, 25 में, 2025 में देख रहा था जी, जी 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 जल्दी, और वो बहुत बड़ा, शायद वो 10 साल बाद वाला महाकुंभ है जी, जी, जी। जिसमें बहुत ज्यादा लोग, करोड़ में लोग होते, 2012 में हुआ था, देखिए उसमें भी हाँ। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए भी ये एक तरीके से ये ऐलान बज रहा कि आप उसकी व्यवस्था की, और ये खाली नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से ये काम नहीं हो जाएगा, इसके लिए रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, इसके लिए ऑफिस से भी काम नहीं होगा, इसके लिए जो अगर आपके आप ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वो संस्था हमारी मदद ही नहीं लेती जी,
आपका तो जीरो टॉलरेंस है ना हर चीज पे जी। तो अगर भ्रष्टाचार मंदिर में हो रहा है तो वहां पर जीरो टॉलरेंस काम नहीं करता क्या जी? या आप उन पे कार्रवाई करके डरते हैं क्या जी? तारिक जी एक मिनट का समय मुझे दीजिएगा। तारिक जी एक मिनट में आपकी बात का जवाब दे दीजिएगा। तारिक जी एक मिनट, एक मिनट डरते हैं क्या? तारिक जी एक मिनट में जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट में जवाब दे रहा हूँ तारिक जी। तारिक जी है क्या, ना सरकार डरती ना हम डरते हैं, है क्या? जब वहां पे हमारे बीआईपी या मुख्यमंत्री या विधायक जाते हैं तो उनको इतना बीआईपी प्रोटोकॉल दे दिया जाता है कि उनको सब वहां हरा हरा दिखता है। स्थिति यह है कि अगर भेष बदल के वहां मुख्यमंत्री भी चले जाए तो वो भी धक्का खा के बाहर निकल जाएंगे। बाकी बिहारी मंदिर की जो वास्तविक स्थिति है वो ये है, लेकिन इनके जाने पर वहां इनको इतना बीआईपी प्रोटोकॉल दे देते हैं। अच्छा, अधिकारियों को भी बहुत वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता, तो अधिकारी भी कोई रिपोर्ट नहीं भेजता। ये जो दुर्घटना घटी है केवल अधिकारियों के परिवारों को वीआईपी प्रोटोकॉल देने के चक्कर में ही घटी है जी। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि वहां की व्यवस्था के इन खामियों को उजागर करें, सरकार के कान तक पहुंचाएं। आपकी भी जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी है। ये कोई धर्म का विषय नहीं है, ये कोई पार्टी की लाइन का विषय नहीं है, ये व्यक्तिगत मेरा अनुभव है कि वहां के बिहारी के मंदिर में दर्शन की व्यवस्था चौपट है। सारी उनके प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के दम पर है, एक सीमा से आगे वो पुलिस को जाने नहीं देते, और वो 400 गोसाई परिवार वही सारी व्यवस्था को चौपटाचार के वो सारा चढ़ावा उन्हीं के परिवारों में खप जाता है। एक नए पैसे का यहाँ पे श्रद्धालुओं की व्यवस्था में उनकी सुविधा के लिए प्रयोग तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार क्या उनके खिलाफ, अभी आपने बताया वो जाने नहीं देती, क्या ये उम्मीद की जा सकती है जिस तरीके से योगी सरकार का गुब्बारा फुलाया गया है कि वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, क्या ये मान लिया जाए कि ये सरकार कुछ लोगों को ऐसे ही छोड़ देगी? फिर तो ये सरकार का ही, अगर वहां पर नहीं जाने देती पुलिस को भी तो ये सरकार का भी फेलियर है। और वीआईपी कल्चर को तो रोकने के लिए अलग मुहिम चलानी पड़ेगी। हालांकि सरकार ने समिति गठित की है इसके लिए। इमरान भाई हमारी पार्टी जोड़े, इमरान भाई आपका आवाज नहीं मिल रही है जी? हाँ रे, इमरान भाई क्या पक्ष रहेगा हमारी पार्टी का, क्या कहना चाहिए घटना के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग इस घटना में अपनी जान गंवाए हैं उनके परिवारों को शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। काफी दुख का विषय है जी। और ऐसी घटनाओं का बार बार रिपीट होना और भी तकलीफ देह बात है। और ना इस पे कोई ऐसी बयानबाजी होनी चाहिए कि जिससे श्रद्धालुओं की मन को ठेस पहुंचे जी। यहाँ जरूरत है काम होने जी। और किसी भी धर्म की भीड़ होती है वहां पे अव्यवस्थाएं होती हैं, और कहीं ना कहीं कुछ धर्म के ठेकेदार हैं जो एक तरह के घोरक धंधे में लिप्त रहते हैं, चाहे वो मजारों की बात करें, चाहे वो मंदिरों की बात करें, और चाहे तमाम जगहों की बात करें, तो वहां पर कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहता है, और जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस को भुगतना पड़ता है, आम श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ता है जी। तो इसमें जरूरत इस बात की कि सारे जिम्मेदार लोग, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोग हों, चाहे सरकार के लोग हों, चाहे वो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए कि भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाना है, कैसे व्यवस्थाएं बनाई जानी है। ऐसी ऐसे जितने धार्मिक स्थान हैं जहां पर उम्मीद से ज्यादा भीड़ आती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाना है, कैसे व्यवस्था दी जानी है ताकि इस तरह की कोई दुखद घटना फिर से ना दोहराई जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि एक प्लान बने, एक सिस्टम बने जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार अपने बारे में जिस तरह का प्रचार और प्रसार करती है कि बहुत मजबूत सरकार है, किसी के सामने घुटने नहीं टेकती, किसी के सामने मजबूर नहीं होती, लेकिन अभी विवेक भाई जिस तरीके से व्यथा बयान कर रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि बांके बिहारी मंदिर का जो मैनेजमेंट है उसके सामने कहीं ना कहीं पूरी सरकार नतमस्तक है। चाहे मैं ये बात नहीं कर रहा कि सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सरकार की बात करें, तो पूर्ववर्ती सरकारें रही है कहीं ना कहीं, वो भी व्यवस्था के नाते जो है नतमस्तक रही होंगी, तो ये ठीक बात नहीं है। इसके लिए कहीं पे भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और एक सारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं
उसके लिए एक तरह का कानून बनना चाहिए, एक तरह का नियम बनना चाहिए, और वो कैसे लागू किया जाएगा, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसकी विस्तृत रूपरेखा सरकार के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए और कड़ाई से उन गाइडलाइंस का पालन सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को करना चाहिए, श्रद्धालुओं को भी करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी करना चाहिए, सरकार से जुड़े हुए लोगों को भी करना चाहिए, जिम्मेदार लोगों को भी करना चाहिए, और जो उन धार्मिक स्थलों की मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, मैनेजमेंट कमेटी है, उनको भी उन गाइडलाइंस का पालन अक्षरशः करना चाहिए, तभी हम जाकर ऐसी अव्यवस्थाओं को रोक पाएंगे। और अगर बिल्कुल अनियंत्रित रहेंगी सारी चीजें, हर तरफ अव्यवस्था फैली रहेगी, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, हम लोग फिर से ऐसे ही डिबेट करेंगे और उसके बाद मामला जस का तस बना रहेगा, समस्या का कोई समाधान नहीं मिलेगा। हमारे साथ आरएलडी से वेद प्रकाश जी मिश्रा जी बैठे हुए हैं। वेद जी, घटना हुई है और निश्चित रूप से पश्चिम में आरएलडी का अपना एक जनाधार है, क्या मानते हैं कि जिस तरह की घटना वहाँ पर होती रहती हैं, अव्यवस्थाएँ इस कदर हैं कि लोग को अपनी जान गंवानी पड़ती है, और बाकी बिहारी मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर है, आज का मंदिर नहीं, बहुत प्रसिद्ध मंदिरों में एक है, क्या मानते हैं कि अव्यवस्थाओं के लिए क्या वहाँ पर प्रयास नहीं किए गए, और विपक्ष के नेता होने के बावजूद वहाँ पर इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई, कि जो आवाज़ विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विपक्षी पार्टियों का भी एक आधा नैतिकता है, ये कर्तव्य है कि उनको भी इस विषय में आवाज़ उठानी चाहिए। गौरव जी जी, ये जो घटना घटित हुई ये बहुत दुखद है जी, और इस पर राजनीतिक बयानबाजी करना कतई उचित नहीं जी। हम विपक्षी होने के नाते समय समय पर आगाह करने का प्रयास करते रहे, जिला प्रशासन से भी इस संदर्भ में हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी की वार्ता हुई जी। और ये प्रयास जिला प्रशासन का रहा कि इस तरीके की घटना घटित न हो और हम उसके लिए कुछ सिस्टम तैयार करें जी। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आई कि कृष्ण जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में तो इस तरीके की भीड़ इकट्ठा होनी ही थी जी। जिला प्रशासन इसका मूल्यांकन नहीं कर पाया जी। या एलआईयू की रिपोर्ट नहीं आ पाई जी। या वहां का इंटेलिजेंस का पूरा फेलओवर था जी। विवेक भाई जो बात कहते हैं हम उनकी बात से काफी हद तक सहमत हैं कि वहां के जो अपने निजी लोग हैं जी। वो उस व्यवस्था में हस्तक्षेप करने नहीं देते जी। ठीक बात है, उनका अपना एक सिस्टम है, वो सिस्टम के आधार पर उसको चला रहे हैं, वो उसको चलाएं। लेकिन सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट किसी भी कार्यक्रम का आयोजन कर सकता है, लेकिन यदि कार्यक्रम का आकार बृहद होगा तो उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को, थाने को और सरकार को, जिला प्रशासन के माध्यम से जाती है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां का मूल्यांकन करा करके, वहां का सर्वेक्षण करा करके और उस तरीके की व्यवस्था की जाए ताकि कोई ऐसी घटना घटित न हो जाए जिसके लिए हम सभी को मिलकर के पश्चाताप और दुख व्यक्त करना पड़े। इस मामले में सरकार का फेलओवर हम मानते हैं। जिला प्रशासन ने सरकार को अवगत नहीं कराया, यहां पर त्रुटि रही, या बांके बिहारी मंदिर के जो कर्ता धरता लोग हैं उन्होंने जिला प्रशासन को विश्वास में नहीं लिया जी। या जिला प्रशासन इस प्रकार का मूल्यांकन नहीं कर पाया कि इतनी भीड़ होगी कि इस तरीके का हादसा हो सकता है जी। तो हम बार बार इस बात के लिए सरकार से भी आग्रह करेंगे जी। और आपके माध्यम से बांके बिहारी मंदिर का संचालन करने वाली कमेटी से भी ये कहेंगे कि आप जिला प्रशासन का सहयोग लें, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वहां का कार्यक्रम आप संचालित करें ताकि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो जी। मेरा मत यह है कि यदि सरकार किसी भी कार्यक्रम पर पैनी नजर रखती है जी। और उसकी जिम्मेदारी है कि वो पैनी नजर रखे, तो सरकार को और प्रशासन को इस कार्यक्रम पर भी पैनी नजर रखनी चाहिए थी और उसके अनुरूप व्यवस्था करते ताकि इस तरीके का हादसा न होता। ठीक, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में प्रदीप तिवारी जी मौजूद है। प्रदीप जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक, साहब प्रदीप जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। आमिर साबरी जी बड़े पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर भाई,
क्या लगता है कि क्या कुछ अपडेशन होना चाहिए, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह की घटनाएं ना घटे और लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने मुझे इस बहस में शामिल किया। देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे भाजपा नेता बड़े भाई विवेक श्रीवास्तव जी ने बहुत मासूमियत और खूबसूरती के साथ सरकार को इससे निकाल दिया जी। दरअसल बात ये नहीं है, देखिए कोई भी मंदिर जी, मैं समझता हूँ देश के तमाम मंदिर, एक आप छोड़ दीजिए, मैक्सिमम मंदिरों की बड़ी संख्या में सब अपने निजी चलाते हैं जी, कहीं कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। लेकिन जहाँ पर इतना बड़ा होली और दिवाली के बाद, मैं समझता हूँ बल्कि इससे भी ऊपर बड़ा त्यौहार है हमारी जन्म कृष्ण जन्माष्टमी का जी, तो जब इतने बड़े त्यौहार के ऊपर हमारी सरकार सोई हुई है तो आगे तो हम बात किस लेवल पे करेंगे और किस स्तर पे करेंगे और कैसे करेंगे, बड़ा सवाल ये है। देखिए गौरव जी बात ये नहीं है कि अभी इन्होंने कहा बड़े भाई विवेक जी ने कि वहाँ पुलिस नहीं अंदर जा सकती, उसकी भी एक सीमा है। अब इससे ज़्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है कि एक सीमा तक पुलिस जा सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती है। क्यों? क्या वो लोग इतने ताकतवर हैं, इतने पावरफुल हैं कि वो सरकार से भी बड़े हैं? बड़ा सवाल ये है। और जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की, आपने ये बात कई बार दोहराई कि ये घटना पहली नहीं है, इसमें कोई दोराय नहीं है कि 2000 मैं अगर नहीं भूल रहा हूँ तो 13 में भी एक बड़ी घटना घटी थी प्रयागराज स्टेशन के ऊपर, इलाहाबाद स्टेशन पे भगदड़ मची थी बहुत बुरी तरीके से, तो कई लोग उसमें भी मर गए थे और बहुत सारे लोग अथा जख्मी हुए थे, जिसको नैतिकता के आधार पर, मैं उस मंत्री का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। बहरहाल इससे पहले भी अभी 2006 में भी घटना घटी। तो आखिर बड़ा सवाल ये गौरव जी कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती क्यों है? क्या सरकार कब चेतेगी? क्या इससे भी बड़ी घटनाओं का इंतजार कर रही सरकार? आखिर जो जैसा कि अभी हमारे एक आरएलडी के नेता कह रहे थे कि LIU ने इनपुट नहीं दिया, या सरकार जो वहाँ DM SSP है उन्होंने इसकी मतलब सुरक्षा व्यवस्था का आकलन नहीं करा, तो आखिर क्यों इस तरीके का? क्योंकि छोटा मोटा त्यौहार तो यह नहीं, और इसमें छोटे छोटे मंदिरों में जो गली और कूचों बने हैं उसमें जब पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ता है तो देखिए बांके बिहारी और मथुरा का तो मामला बहुत ऊपर है, पूरे देश में इकलौता है उतना बड़ा मंदिर, मैं नहीं समझता हूँ कि देश के अंदर कहीं दूसरी जगह है। बांके बिहारी बहुत बड़ा मंदिर है और जब वहाँ सरकार सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रही तो फिर कहाँ करेगी? मतलब इसका मतलब ये कि सरकार हर जगह पर फेल हो रही है, सिर्फ एक जगह पर जरूर कामयाब है, वो हिंदू मुस्लिम करके 90 करोड़ जनता को गुमराह करने में सरकार जरूर कामयाब है, मैं समझता हूँ। बाकी कहीं देखिए अभी कुछ दिनों पहले कांवड़ यात्रा में कितने कांवड़िए मर गए, क्या सुरक्षा व्यवस्था थी? बस खाली पुष्प वर्षा कर करके उन 90 करोड़ हिंदुओं को, हिंदू समाज को गुमराह करने का काम किया सरकार ने, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर शून्य साबित हुई सरकार। इससे बड़ी विडंबना और नहीं हो सकती जी। फिर जवाब बाद में लेते हैं, पहले प्रवक्ता कांग्रेस तिवारी जी मतलब जुड़ गए। प्रदीप भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप भाई आपको मेरी आवाज आ रही है जी? चलिए देवे भाई, बड़े आरोप लगाए अमर साबरी भाई ने कि बड़ी मासूमियत से आपने सरकार को निकाल लिया और सारा दोष वो मंदिर की निजी व्यवस्थाओं को दे दिया, और कह रहे हैं सरकार हर मोर्चे विफल साबित हो रही है। जी सावरी साहब ने 2013 का जो जिक्र किया कुंभ का जी, मैं उस समय वहाँ भी था जी, मेरा क्षेत्र है जी, और वहाँ जो घटना घटी वो सही में सरकार का फेलोरेंस था जी। पूरे कुंभ के दौरान आजम खान जी मंत्री थे, इन्हीं के नेतृत्व में कुंभ चल रहा, तो जो सावरी साहब को मैं करेक्ट कर दूं, किसी मंत्री ने कोई इस्तीफा नहीं दिया था, नैतिकता के आधार कोई, कोई, कोई नहीं, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन कोई नहीं प्रभारी थे उससे इस्तीफा दिया था भाई, आप मालूम करिए प्रभारी से इस्तीफा, जब मर गए लोग तो प्रभारी से इस्तीफा देने की बात है, उन्होंने कोई मेला सलाहकार समिति नहीं बनाई जो जिले के प्रबुद्ध लोगों की बनती थी, पूरा मेला से सीधे पब्लिक छोड़ी गई सिविल लाइन स्टेशन के लिए, मैंने खुद लाशें ढोई हैं, मैं खुद जिस समय स्वरूप रानी के इमरजेंसी के हाल में था 28 लाशें मेरे अगल बगल थी, मैंने उन लाशों के साथ रात गुजारी है, मुझसे भयावह उस हादसे का कोई गवाह न होगा, मैं स्वयं उस मौके पे था, मैं अपने घर सो रहा था, मुझे यहाँ से मेरे पार्टी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का फोन आया कि आप तुरंत दौड़ करके स्टेशन पहुँचिए, मैं स्टेशन पहुँचा तो वहाँ का जिलाधिकारी केवल लाशें गायब करवाने में लगा हुआ था, फिर हम लोगों ने लाशों को जाकर के स्वरूप रानी में इकट्ठा किया, फिर मैंने एक एक की बॉडी लदवाई है पोस्टमार्टम के लिए, DM मोबाइल बंद करके घूम रहा था, पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहे थे, लोग सामने रो रहे थे हरदोई के, कहीं के साहब हम लोग आए थे 28 लोग थे, हमारा एक आदमी मर गया लाश दिवा दीजिए हम लोग लेके चले जाएं, तो जब मैंने DM को रात में डांटा तब जाकर के
पोस्टमार्टम शुरू हुआ, लोग बॉडी ले लेकर के अपने घर गए, तो बहुत अव्यवस्था थी, वो विषय अलग है, वो विषय दूसरा है। वहाँ सरकार फेल थी, सरकार के पास मौका था, महीनों का कार्यक्रम था कुंभ का, और उसके साल भर पहले से तैयारी चलती थी, सरकार व्यवस्था कर सकती थी। यहाँ की स्थिति उससे डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि यहाँ हर सप्ताहांत में 1.5 से 2 लाख पब्लिक आती है बांके बिहारी जी के दर्शन को, ये हर सप्ताह इतना बड़ा यहाँ मेला लगता है। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि हर सप्ताह 1.5 लाख आने के बाद भी ये सुविधा ही है। मैं वही बता रहा हूँ। और जिस दिन की घटना, वहाँ 5 लाख से ऊपर की संख्या थी, और ये सबको अंदाजा रहता, लेकिन वहाँ पे जो 400 गोसाई परिवार है वो डे बाय डे अपना तय किए रहते हैं कि फला दिन के मालिक हम, फला दिन के मालिक हम। वहाँ कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, और उन्हीं की ही सिक्योरिटी, निजी सिक्योरिटी गार्ड है। पुलिस केवल सड़क बाहर तक रहती है, उसके आगे सब उनका निजी। और जो आप बार बार विषय कर सरकार फिर सरकार, ये जो परंपरा से चला रहा सरकार, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। अभी हस्तक्षेप कर दे तो कहेंगे साहब सरकार को हमारे चंदे चढ़ावे में हिस्सा चाहिए, तमाम आरोप लगते समाज, मतलब हिंदू विरोधी साबित हो जाएगी, तुरंत सरकार के ऊपर आरोप लग जाएगा, हिंदू विरोधी साबित हो जाएगा। जबकि स्वयं ये लोग उस चढ़ावे का ना तो श्रद्धालुओं की सेवा में कोई प्रयोग करते हैं, ना मंदिर के कोई सेवा में बढ़ावा होता है, ना उससे कोई धर्मशाला चल रहा है, ना गौशाला चल रही है, ना कोई विद्यालय चल रहा है। सारा चढ़ावा इन्हीं 400 परिवारों के में घुस जाता है। और दुर्भाग्य है कि जिस बांके बिहारी जी के नाम पे चढ़ावा आता है, उनके महीने की रसोई जो उनका भोग लगता है उसके लिए मात्र 1 लाख रुपया वो कर रहे हैं, जबकि करोड़ों रुपया वहाँ पे आता है, महीने में करोड़ों रुपया आता है। करो जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है व्यवस्था। विवेक जी, इसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार मैं कहते रहा हूँ, सरकार ने 15 दिन पहले अवनीश अवस्थी जी ने अभी खतरा खतौनी मंगाई है, चिट्ठी भेजा डीएम को कि कैसे वहाँ की रोडें चौड़ी की जाए, कैसे वहाँ सुविधा बढ़ाई जाए। अभी 15 दिन पहले चिट्ठी भेजी और ये हादसा हो गया। मतलब हम कुछ कर पाते, कुछ वहाँ की नौबत आती उसके पहले घटना घट गई। सरकार भी बहुत मायूस है, घटना से डर तो है। बारह राम सरकार पे लाख खूबसूरती से सरकारों के किनारे कर दें, लेकिन आपका दर्द जायज है। दर्द है, जाहिर सी बात है, जान जान होती है, इंसानियत बड़ी चीज है। साबरी साहब, पार्टी बाद में है, इंसानियत बड़ी चीज है। आजाद भारत में अगर श्रद्धालु बांके बिहारी जी के मंदिर में मर रहे हैं और वहाँ के मंदिर की अव्यवस्था के चलते मर रहे हैं, तो इससे शर्म का विषय हमारे लिए, सत्ता में बैठे लोगों के लिए, किसी जनप्रतिनिधि के लिए, सरकार के नुमाइंदों के लिए कुछ नहीं हो सकता। शर्म का विषय है। दुर्भाग्य ये है कि 76वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज़ादी के पहले अंग्रेज हमको भेड़ बकरी की तरह हाँकते थे, जलियांवाला बाग में हमारे ऊपर गोली चला दी, कहीं हमारे ऊपर लाठी चल जाती थी, चलिए समझ में आता था हम गुलाम थे। आज देश हमारा, हुकूमत हमारी, हुकूमत में हमारे लोग बैठे हैं। अगर उसके बाद ये स्थिति है तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और वहाँ के मंदिर व्यवस्था में बहुत व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और मुझे उम्मीद भी है कि हमारी सरकार इसकी सुधलेगी और इस पर कार्रवाई होगी। हम पूरा सरकार की तरफ से आश्वस्त है, लेकिन जो घटना घटी है बहुत दुखद है। हमारी पूरी शोक संवेदना, पूरी सहानुभूति उन परिवारों के साथ है, और हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उन। फिलहाल सरकार ने एक समिति बनाई है, और पूर्व DGP और अलीगढ़ के मंडलायुक्त गौरव दयाल की निगरानी में 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है। हमारे प्रवक्ता कांग्रेस रिपोर्ट में भी प्रदीप तिवारी जुड़ चुके हैं। प्रदीप भाई, पूरी घटना आपको पता है, जिस तरह की घटना लगातार हो रही है, अपने आप में अव्यवस्थाओं का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि किस तरह से धार्मिक स्थलों पर बड़ी भीड़ होती है, पहले से जानकारी होती है कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और वो प्रांगण जिसकी क्षमता लगभग 1800 लोगों की है, वहाँ पर जब हजारों लोग की भीड़ जाएगी तो इस तरह की घटना को घटना आम होना है। पर क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी का, क्या इस पर तथ्य है और क्या पक्ष रखेंगे? प्रदीप भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है। जी भैया, प्रदीप भाई बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जिन परिवारों ने इस हादसे में अपने लोगों को खोया है जी, उनके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से संवेदनाएं हैं जी, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति है जी, कि जिस ऐसी घटना घटित नहीं होनी चाहिए थी जी, मगर अब घटना घट गई है तो अब सरकार सो के जगी है। चलिए देखते हैं क्या कार्रवाई करती है सरकार। पहले तो सरकार को पहले से इन सारी चीजों की, जैसे कि विवेक भाई की मैं कुछ बातों से सहमत हूँ और उनको साधुवाद कि उन्होंने अपनी सरकार की नाकामियां जो हैं उनको भी गिनाया कि सरकार किस तरीके से, सरकार का फेलियर रहा और सरकार के फेलियर के कारण ऐसी घटना घटी। तो जो ये घटना घटना ही नहीं चाहिए था,
पहली चीज तो ये घटना घटनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसका संज्ञान जो है, अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति इस तरीके का आयोजन कर रहा है, अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति आयोजन कर रहा है तो निश्चित ही वो आपके संज्ञान में होगा। ऐसा नहीं कि वो इतना बड़ा कार्यक्रम हो जा रहा है और आपके संज्ञान में वो चीजें नहीं, हर साल होता है तो जी बिल्कुल आपको मालूम है वो एक निश्चित तिथि है, उस तिथि पे ही वो कार्यक्रम होना है। जी। फिर भी अगर इस तरीके की घटना घटती है तो ये सरकार की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही साफ साफ नजर आती है। जी। भागना चाहते हैं मगर अब प्रवक्ता के रूप में विवेक भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने जिस तरीके से आज पार्टी लाइन से हट करके, क्योंकि इनके यहाँ प्रवक्ता तो पार्टी लाइन पे ही चलते हैं, कुछ भी हो जाए। जी जी बिल्कुल। जैसे कि घटना घट गई, लोगों ने बलात्कारियों का स्वागत कर दिया, मालाएं पहना दी, तो इनके यहाँ तो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी उसके पक्ष में आकर के बयान दे देते हैं। मगर विवेक भाई को मैं फिर से साधुवाद देना चाहूंगा कि आज इन्होंने सही बात रखने की हिम्मत दिखाई कि हाँ, इस सरकार को शर्मिंदगी से अपनी आंखें झुका लेनी चाहिए कि किस तरीके से ये घटना घट गई। आपको मालूम था कि उस स्थिति पे भीड़ होगी और भीड़ क्यों, अब जैसे मैं तो उनको भेड़ बकरी नहीं कह सकता, कुछ लोग उनको भेड़ बकरी बता रहे हैं कि वो भेड़ बकरी की तरीके से वहाँ भीड़ पहुंच जाती है, ऐसा नहीं है। लोगों की आस्था है, लोगों की आस्था है भगवान के प्रति, और आपको मालूम है कि जब इस प्रदेश की और इस देश की जनसंख्या इतनी है और लोगों की आस्था है तो वहाँ पहुंचेंगे, लोग पहुंचेंगे तो उसका मैकेनिज्म कौन बनाएगा? आप उसको ये कह के नहीं टाल सकते हैं कि वो एक कुछ व्यक्ति विशेष का लोगों का उस पर आधिपत्य है और वो लोग उसकी देखरेख करते हैं। मगर प्रशासन का काम क्या होता है? अगर एक लिमिट से ज्यादा अभी कोई प्राइवेट व्यक्ति काम कर रहा है, प्राइवेट व्यक्ति का मंदिर है, वहां पे भीड़ इस तरीके से इकट्ठा कर दे रही है, आपको सूचना दी गई होगी, सूचना निश्चित तौर पर आपको पूरा मैकेनिज्म लगाना चाहिए था, वहां पे प्रशासन लगाना चाहिए था, मगर सरकार इन चीजों पे कथनी और करनी का नजर अंतर जो है वो नजर आ जाता है कि सरकार कहती कुछ है भाई और करती कुछ है। मेरा एक सवाल आपसे भी रहेगा, 7 अगस्त 2022 को राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में भगदड़ मची थी और वहां पर लगभग 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 से 5 लोग घायल हुए थे। उन घायलों को गहलोत सरकार ने 5-5 लाख का मुआवजा दिया था और वहां के जो SHO थे रिया चौधरी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। क्या मानते हैं कि घटना केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी हुई थी, तो वहां पर इस तरह की घटनाओं पर क्या अव्यवस्था वहां पर भी है और समूल रूप से इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो इसके जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि सस्पेंशन इसका बुनियाद नहीं होनी चाहिए? जी नहीं नहीं बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और जागना चाहिए सरकार की। जैसे संज्ञान में बता रहे हैं कि 15 दिन पहले अवनीश अवस्थी जी ने उस पर लेटर भेजा था और उससे जानकारी मांगी थी, ऐसा देखिए हम लोगों के संज्ञान में ऐसा तो कुछ है नहीं कि ऐसा कोई कार्रवाई किया गया। घटना घट गई है तो उसके बाद ये सारी चीजें लिपापोती की जा रही हैं और इनके संज्ञान में एक मामला बहुत पहले से कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले भी लेटर लिखे गए, मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा गया। यही उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक माँ आदिशक्ति का मंदिर है यही नैमिष तीर्थ में ललिता देवी के नाम से, वहां पर अगर आप जाएंगे तो अवस्थाओं का आलम ऐसा है कि अमावस्या के दिन वहां लाखों की तादाद में भीड़ लगती है और किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पे, कोई लाइन नहीं लगती है, जैसे चाहे जिसका जैसे मन हो भगदड़ मचती रहती है, पुलिस वाले वहां मूक दर्शक बन के घुमा करते हैं। तो आज नहीं तो कल वहां पे भी किसी न किसी दिन इस तरीके की घटना जो है वो निश्चित ही घट जाएगी, क्योंकि सरकार के कान पे तो जू तब रेंगेगी जब इस तरीके की घटना घट जाएगी। अगर आपके संज्ञान में चीजें पहले से लाई जा रही हैं तो किसी व्यक्ति के द्वारा लाई जाए, पार्टी के द्वारा लाई जाए, तो आपको उस पर संज्ञान लेना चाहिए और उस पर निश्चित ही कार्रवाई करनी चाहिए उसके लिए कि कम से कम वहां पे जो दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी जा रहा है अपना दर्शन कर सके, क्योंकि अब हम किसी को रोक तो सकते नहीं है कि दर्शन करने, क्योंकि उसकी आस्था है भगवान के प्रति और वो निश्चित ही जाएगा, दर्शन करेगा। अब हम उसको ये नहीं कह सकते कि वहां पे संख्या बल ज्यादा हो गया था। कहीं भी घटना घटे इस तरीके की, कहीं भी घटना घटती है तो निश्चित ही कि वहां पे प्रशासन अगर वो, और उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर वो कार्यक्रम निर्धारित तिथि पे होता है, निर्धारित तिथि पे हर साल होता है, तो निश्चित ही वो संज्ञान में हमारे होना चाहिए। आप एक तरफ कुंभ का आयोजन अच्छी तरीके से करवाने की वाहवाही लूट सकते हैं, इस तरीके की घटना घट जाएगी तो आप उसको प्राइवेट पार्टी पे डाल दोगे तो ये तो नहीं चलेगा भाई। एक अगर आपके वाहवाही होगी तो फिर अगर घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी भी संपूर्ण रूप से सरकार को लेनी पड़ेगी। भाई राजस्थानी घटना में क्या कहेंगे, खाटू श्याम मंदिर में घटना हुई थी वहां पर भी 3 लोग मारे गए थे, यहाँ पे पीठ थपथपाने का काम नहीं किया जाता है। अगर घटना घटती है तो सरकार संवेदनशील होती है, संवेदनशील होकर के सरकार कार्रवाई करती है,
यहाँ पे ये नहीं हो जाता है कि भागने लगे घटना से कि नहीं भैया घटना घट गई है तो अब हम इससे लिंकअप ही अपना छुड़ा ले प्राइवेट पार्टी पे डाल दें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सारी घटना को सरकार से साइडलाइन करके उसको बता दिया कि एक प्राइवेट मंदिर है वहां पे प्राइवेट गार्ड लगते हैं, सरकार की क्या जिम्मेदारी है अगर एक संख्या से ज्यादा वहां पे लोग इकट्ठा हो रहे थे वहां पे किसी तरीके की घटना और किसी तरीके की घटना घट जाती जी। आपके संज्ञान में ही नहीं है कि वहां पे इस तरीके की एक इतना ज्यादा जनसंख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अगर आप सरकार हैं आप प्रशासन वहां क्या कर रहा था, प्रशासन को अगर वहां का LIU वहां का जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो क्या कर रहा था, उसको ये नहीं पता था कि कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे होने वाले हैं, तो ये सरकार का सीधा सीधा फेलियर है जी। चलिए जवाब लेते हैं, भाई जवाब दीजिए फिर इमरान भाई और तारिक भाई जोड़ते हैं, समय कम है। गौरव जी, प्रदीप जी ने खाटू श्याम जी की घटना पे कोई जवाब नहीं दिया जी, उससे वो बच गए जी। ठीक है, उनका विषय है, इस पूरी घटना पे मैं ये जिम्मेदारी से स्वीकार करता हूँ कि जिला प्रशासन वहाँ मूक दर्शक बना रहा और गोसाई जी लोगों के कारण जिला प्रशासन वहाँ हस्तक्षेप करने में नाकामयाब रहा। और तो और जो जिला प्रशासन के जिसको VIP कल्चर आप लोग कहते हैं कि उनके परिवार वाले भी मंगला आरती का जो मोह संवरण नहीं होता वहाँ भक्तों को, हर व्यक्ति चाहता है कि मंगला आरती में हम उपस्थिति पा जाएं, तो इसमें जांच होनी चाहिए। जो लोग भी उस दिन वहाँ उपस्थित थे व्यवस्था में जिम्मेदार लोग वो और जिन भी अधिकारियों के परिवारजन वहाँ उपस्थित थे CCTV फुटेज में सब आ जाएंगे, इन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ कि ये जो VIP कल्चर के चलते ये घटना घटी है जिसमें दो लोगों की जान गई और कुछ लोग बेहोश रहे, ये पूरी जिम्मेदारी वहाँ इन मिले जुले लोगों की है। ये मंदिर के अंदर घटना घटी, सबसे पहले तो वहाँ के जो मंदिर की व्यवस्था जो लोग देख रहे हैं उस दिन विशेष को, वहाँ हर दिन विशेष अलग अलग लोग व्यवस्था देखते हैं। मैं स्पष्ट कर दूँ 400 परिवार उन्हीं में व्यवस्था घूमती रहती है, उससे इतर कोई वहाँ हस्तक्षेप नहीं कर पाता क्योंकि परंपरा से चले जा रहे। इस परंपरा को तोड़ने की भी आवश्यकता है, सरकार को वहाँ पे सारा व्यवस्था अपने तरीके से व्यवस्थित कराने की आवश्यकता है और ये दोबारा ऐसी घटना ना घटे। और इस तरह के विषयों में मैं गोरखनाथ मंदिर की मिसाल देता हूँ, गोरखनाथ मंदिर में भी मकर संक्रांति के दिन पूरे दुनिया से श्रद्धालु आते हैं, वहाँ भी भीड़ होती है और वहाँ भी तमाम चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन गोरखनाथ मंदिर उस चढ़ावे का प्रयोग अपने भक्तों अपने श्रद्धालुओं तमाम समाज के कल्याणकारी कार्यों में करता है। बहुत सारे मंदिर है गोरखनाथ मठ के जो अंतर्गत चलते हैं, लेकिन उनका प्रयोग उनके श्रद्धालुओं की व्यवस्था में होता है। इस मामले में वहाँ की व्यवस्था एक मिसाल है, उस मिसाल को इन लोगों को अंगीकृत करना चाहिए। इस मंदिर का पूरा चढ़ावा गोसाई जी लोगों के परिवारों में खप जाता है, श्रद्धालुओं के सुविधा में ढेला नहीं खर्च होता। इमरान भाई पूरी बात सुनी, दोबारा मौका आपको। देखिए गौरव भाई, अभी विवेक भाई ने बहुत सारी बातें कही और इन्होंने कहा कि स्वीकार करते हैं कि वहां पर खामियां रही हैं, जांच होनी चाहिए, तो क्या स्वीकार कर लेने मात्र से मामले की तिश्री हो जाएगी जी। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती आई है, जो सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति करती आई है। चलिए महंगाई बढ़ा दी कोई बात नहीं, बेरोजगारी बढ़ा दी कोई बात नहीं, और तमाम अव्यवस्थाएं हैं, स्कूल खराब हैं, अस्पताल खराब हैं, समझ में आता है कि यहाँ पर मुमकिन है कि हिंदुओं के अलावा भी कुछ लोग जाते होंगे, इस नाते इस पे इनका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन मंदिर तो एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हिंदू जाते हैं और वहां पर उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, अरे जांच कौन करेगा भाई? आप स्वीकार कर रहे हैं कि जिला प्रशासन मौन रहा तो कार्रवाई कौन करेगा? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कमेटी बनाई गई है, इसमें कमेटी बनाई गई है, कमेटियां बनती रही हैं, तमाम SIT गठित हुई हैं, कुछ नहीं होता है। कुल मिलाकर अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं की हितैषी होने का दावा करती है वो मात्र एक ढोंग है, ढोंग से इतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मामला जुड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की जान से जुड़ा हुआ है, इसमें किसी दूसरे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। और अगर आगे से कोई गाइडलाइन नहीं बनाई जाती है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई नया रास्ता नहीं निकाला जाता है, तो इससे मतलब साफ रहेगा कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जो हिंदू युवा सम्राट हैं, हृदय सम्राट हैं,
हिंदू हृदय सम्राट बोले जाते हैं, अपने आप को कहते हैं, इसका मतलब साफ है कि उनको हिंदुओं की जान से कोई मतलब नहीं है, वो हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ देंगे, फिर से अगली बार जन्माष्टमी आएगी, फिर से इसी तरह की घटनाएं रिपीट होंगी अगर व्यवस्थाएं नहीं बनाई जाती हैं। तो ये बेहद शर्मनाक है, सिर्फ जांच पर टाल कर और स्वीकार कर लेने से मात्र कुछ नहीं होने वाला है, कार्रवाई करनी पड़ेगी दोषियों पर और आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसके लिए वादा करना पड़ेगा। तारिक भाई, कम शब्दों में अपनी बात बताइए। जी आपके आवाज आ रही, बोलिए जल्दी। जी दो बातों पे बताना चाहता हूँ। सत्ता में आए तो उनकी सिचुएशन क्या है? वो काशी, वो मथुरा था, अयोध्या में आपने देखा हुआ है, बताने मेयर साहब और विधायक साहब का पुता हुआ। दूसरा मामला ये तो ये जहाँ से शुरू हुए थे उसी में केजरीवाल का नंबर है। दूसरा पॉइंट ये, जब अच्छा होगा तो सरकार करेगी और जब बुरा होगा तो डीएम जिम्मेदार हो। अलग होगा आजादी के बाद सरकार का तो ये चीजें अलग नहीं की जा सकती। सब समन्वय में काम करती है, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो सारे डीएम मुख्यमंत्री, इसको अलग नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारी सरकार को आगे पड़ेगी और इन्हीं जिम्मेदारियों, इन्हीं बातों से सरकारें आती और जाती भी। तो आप इस इन दो चीजों को अलग नहीं कर सकते। इनका यह मकसद रहता है कि जहां गलत हो पीडब्ल्यूडी में पैसे लेकर और स्वास्थ्य विभाग में पैसे लेकर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, प्रमुख सचिव जिम्मेदार नहीं। मैं कहता हूं प्रमुख सचिव के साथ साथ आपकी पूरी सरकार जिम्मेदार। अगर श्रीवास्तव जी ने पशुपालन का घोटाला खोला तो उसमें भी हर जगह पर अपना पल्ला झाड़कर और सिर्फ वहीं तक सीमित कर देना, इस बात मुझे लगता है गलत है। जिम्मेदारी पूरे के पूरे स्टेट पे सरकार की मुखिया पे होगी, पूरी के पूरी सरकार। चलिए नेता रोलरी विकास मिश्रा जी अपनी बात को पूरा करिए कम शब्दों में। जी देखिए गौरव जी, हमारा ये मानना है और हमारी पार्टी के जो हमारे नेता हैं उनका ये मत है, चौधरी जयंत सिंह जी का, कि सरकार की पूरी नैतिक जिम्मेदारी है जिला प्रशासन के फेलोवर के लिए। जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग थे उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। कमेटी बनती और इसका मूल्यांकन करे ये तो अलग विषय है, कमेटियां बनती और बिगड़ती रहती हैं, लेकिन हमारी ये मांग है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार नौकर शाह हैं, उनके खिलाफ तो अविलंब कार्रवाई हो, उनको तत्काल निलंबित करके एक किनारे बैठाला जाए और उसके बाद इसकी जांच कराई जाए। नहीं तो वो सारे लोग इसकी लीपापोती करके और मामला सब के जो मंदिर के लोग हैं उनके ऊपर डालेंगे, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। किसी भी कीमत पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। और सरकार अगर ये कहती है कि हर समस्या के लिए जिम्मेदार नौकर शाही है तो फिर सरकार किस समस्या के लिए बनी हुई है? आप किस लिए समस्या सरकार में बैठे हुए हैं? आप उसकी जिम्मेदारी लें और गैर जिम्मेदार नौकर शाही के खिलाफ आप तत्काल कार्रवाई करें। इतनी बड़ी भगदड़ हो गई, कोई FIR नहीं, कोई घटना की जांच नहीं, कोई उस पर कार्रवाई नहीं, किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। ठीक है, विवेक जी कहते हैं कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है, कार्रवाई करेगी, हम इनकी बात से सहमत हैं, लेकिन सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए थी। और मेरी मांग है कि सरकार तत्काल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो इसके लिए सीधे RLD इसके लिए कोई कदम उठाएगी, RLD कुछ करेगी इसके लिए? देखिए अगर हम इसके लिए कोई आंदोलन चलाएंगे तो तत्काल ये कहा जाएगा कि ये लोग इस भगदड़ में हुई घटना को लेकर के भी राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हम इस पर भगदड़ को लेकर के कोई राजनीति करने वाले नहीं हैं। बहुत ईमानदारी के साथ जो घटना हुई है वो दुखद है, पुनरावृत्ति न हो ये सरकार सुनिश्चित करे और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ये राष्ट्रीय लोकदल की मांग। जल्दी अपनी बात पूरी करें। RLD के नेता ने बिल्कुल ठीक बात कही है और हमारा भी यही मानना है कि जो घटना हुई है क्षेत्रीय प्रभारी निरीक्षक को तुरंत
सस्पेंड करना चाहिए, निलंबित करना चाहिए, उसके बाद जांच करानी चाहिए। दूसरी बात, जो लोग मरे हैं, जो लोग उसमें, मैं कहूंगा मरे नहीं है बल्कि शहीद हुए हैं, उनको सरकार मुआवजा दे और जो जख्मी हुए उनका पूरा इलाज सरकार कराए। ये मेरी सरकार से मांग है और विवेक श्रीवास्तव जी के द्वारा ही मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि वो प्रवक्ता भी है, भाजपा के नेता भी, वो अपने पक्ष सरकार तक रखें। विवेक भाई अपनी बात पूरी करें, फिर खत्म करते हैं। देखिए गौरव जी, बहुत अवसरों पे हम और विपक्ष एक मत नहीं होते, लेकिन मैं यहाँ वेद प्रकाश मिश्रा जी की बात से सहमत हूँ कि जिला प्रशासन का फेलोर है और जिस जगह पे स्वयं जिलाधिकारी उपस्थित तो वहाँ अगर ऐसी घटना घट रही है तो डीएम और एसपी इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। मंदिर प्रशासन तो अंदर की व्यवस्थाओं का जिम्मेदार ही है, वो बराबर अव्यवस्था किए रहता है, व्यवस्था को बढ़ावा देता है। 1000 रुपये से तो वहाँ शुरुआत होती कि तुमको दर्शन करा देंगे, लेकिन जिला प्रशासन भी इस अपराध में बराबर का भागीदार है और सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत जल्द कार्रवाई भी होगी। मैं वेद प्रकाश मिश्रा जी की इस बात से प्रदीप भाई चर्चा पूरी करें, फिर चर्चा को खत्म करते हैं। देखिए मैं सहमत हूं सभी लोगों की बातों से कि कार्रवाई होनी चाहिए और हो जानी चाहिए थी अब तक। होनी चाहिए से मतलब क्या है कि कमेटी गठित हुई है, कब उसकी जांच रिपोर्ट आएगी, कहा है 15 दिन, क्या होगा उसमें, वो अलग चीजें विषय है। सबसे बड़ी चीज ये संज्ञान में ही है कि सरकार का जो वहां पर प्रशासन है वो लापरवाही उसने बरती है, क्योंकि सर जो प्रशासन है उसके संज्ञान में ये चीजें होती हैं कि इस तरीके का जो मजमा है, जो लोग दर्शन करने वाले हैं, वो आने वाले लोग हैं, उनका पूरा डेटा उनके पास रहता है कि कितनी संख्या में यहाँ पे भीड़ हो सकती है। लोकल इंटेलिजेंस जो होती है वो इसी चीज की लिए रखी जाती है और वो पूरा उसको सूचना देती है कितनी भीड़, और अगर लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर मान भी ले तो ये हर साल वहां पे होता है प्रोग्राम, तो ये इसका तो चीज आपको पता ही है कि वहां पे भीड़ लगती है और लोग आते हैं, श्रद्धालु जो हैं वो अधिक संख्या में होते हैं। तो आपने क्या किया वहां पे, कोई मैनेजमेंट नहीं किया अपनी तरफ से, वो जो प्राइवेट लोग जो कर रहे थे उनपे छोड़ दिया और जो लोगों की जान गई है उसके लिए उन प्राइवेट लोगों से ज्यादा जिम्मेदार प्रशासन है और शासन है, जिसकी वजह से उन लोगों ने खोया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं मांग करता हूं कि उन दो लोगों के परिवार में से किसी ना किसी एक जो सक्षम व्यक्ति हो उनको सरकारी नौकरी प्रदान करी जाए, तत्काल की जाएगी से मतलब नहीं है, तत्काल की जाए उनको नौकरी प्रदान, क्योंकि जो की जाएगी वाला होता है ना वो पेंडिंग में फिर पड़ा ही रह जाता है। ये मांग है और उनकी आर्थिक मदद, जो घायल है उनकी आर्थिक इलाज और आर्थिक मदद की जाए। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह हमने देखा यहाँ पर चर्चा हुई और अधिकांश लोगों का मानना यह था, सारे प्रवक्ताओं का यहाँ पर, चूंकि विवाद का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि यहाँ पर राजनीति नहीं हुई है, यहाँ पर चर्चा हुई है और चर्चा एक बहुत ही सुखद संदेश के साथ यहाँ पर ख़त्म हुई है। वो चर्चा ये है कि जिनकी भी इस मामले में जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक एक संदेश नहीं जाएगा कि इस तरह की घटनाएँ घटती रहेंगी। यहाँ पर सभी लोगों के साथ साथ भाजपा प्रवक्ता कि जो नेता है, जो भाजपा का पक्ष रखे हैं विवेक जी, उनका कहना भी साफ है कि जो वीआईपी कल्चर है वो कहीं ना कहीं इन घटनाओं का जननी है। उस वीआईपी कल्चर के चलते इस तरह की घटना होती रहती है। सबसे पहले वीआईपी कल्चर उसको ख़त्म करना होगा साफ ही तौर पे। जिस तरह से सरकार, योगी सरकार लगातार मंदिरों की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने में लगी हुई है, उस पर विशेष ध्यान देना होगा। और जो समिति बनी है वो 15 दिन में रिपोर्ट देती रहे, समिति के बाद क्या रिपोर्ट आती है, क्या उस पर निर्णय होता है। पर साथ ही साथ पहली बार जो जिला प्रशासन के जिम्मेदार हैं, जो समय उस घटना के समय मौजूद थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सकेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जनता से भी एक मेरे कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध है कि जहाँ पर भीड़ होती है कम से कम वहाँ पर अपने विवेक का उपयोग करते हुए ऐसी व्यवस्था के चलते, अगर वहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था माकूल नहीं है या वहाँ पर जो निजी व्यवस्था वो बेहतर नहीं है, तो खुद एक व्यवस्था बनाते हुए भगदड़ ना क्रिएट करते हुए, भगदड़ ना मचाते हुए, और बारी बारी से अगर आप दर्शन करेंगे और अपने प्रवेश करते हुए और फिर निकास करेंगे दूसरी रूप से, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पर यहाँ पर शासन और प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने स्वयं स्वीकारा है कि वहाँ पर वीआईपी कल्चर और निजी व्यवस्थाओं के चलते इस तरह की घटना हो रही है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमेशा होती आई और हमेशा विशेष स्थिति पर होती है, पर इस व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, तभी हमारी इस चर्चा का जो उद्देश्य है वो सफल हो सकेगा। तो आज की डिबेट में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।